जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीते 40-50 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में दो परिवारों का वर्चस्व रहा है। एक है ठाकरे परिवार, जिसमें कि इस वक्त उद्धव ठाकरे सक्रिय हैं राजनीति में, उनके बेटे आदित्य ठाकरे सक्रिय हैं और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे सक्रिय हैं। और दूसरा बड़ा परिवार है पवार परिवार, जिसके पितामह हैं शरद पवार, जो कि 83 साल की उम्र में भी सियासत में सक्रिय हैं। उनके अलावा उनके भतीजे अजीत पवार राजनीति में हैं, जो कि अब उनसे अलग हो चुके हैं और दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में है, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राजनीति में है, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी राजनीति में है, इसी तरह से शरद पवार के पोते रोहित पवार राजनीति में है। और अब इस राजनीतिक अखाड़े में पवार परिवार के एक और सदस्य की एंट्री हो रही है। ये सदस्य हैं योगेंद्र पवार। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि जल्द ही योगेंद्र पवार भी सक्रिय राजनीति में नजर आएंगे और हो सकता है कि 4 महीने बाद ही, जो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वो चुनाव भी योगेंद्र पवार लड़ें। योगेंद्र पवार की एंट्री की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बीते मंगलवार के दिन जब शरद पवार ने लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार बारामती में जाकर लोगों से मेल मुलाकात की एक इवेंट में, तो वहां पर उनके बगल में योगेंद्र पवार भी बैठे नजर आए। लोगों से मिलने जुलने का यह इवेंट भी योगेंद्र पवार ने ही आयोजित किया था और यहां पर जिस सक्रियता के साथ योगेंद्र पवार शरद पवार के साथ दिख रहे थे, उससे इस चर्चा को बल मिल रहा है कि योगेंद्र पवार को भी शरद पवार जल्द ही राजनीति में लॉन्च करने वाले हैं। यही नहीं, इस कार्यक्रम के बाद जो बारामती की स्थानीय इकाई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की, उस इकाई के लोगों ने भी मांग की कि योगेंद्र पवार को चुनाव में उतारना चाहिए और अजीत दादा को हटाकर अब योगेंद्र दादा को जो है बारामती से विधायक बनाना चाहिए। शरद पवार ने इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने साथ योगेंद्र पवार को रखा, तो उनकी स्टाइल को बताता है। 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब मुंबई में उसके तुरंत बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब पहली बार शरद पवार ने अपने साथ अपने पोते रोहित पवार को बिठाया था और माना गया कि इस तरह से उन्होंने रोहित पवार को सियासत में लॉन्च कर दिया था, क्योंकि उसके बाद से ही रोहित पवार तमाम पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आने लगे, सार्वजनिक मंचों पर शरद पवार के साथ नजर आने लगे। और फिर 2019 में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें करजत जामखेड़ सीट से रोहित पवार को एनसीपी ने टिकट दे दिया और रोहित पवार वहां से जीत भी गए और अब ना केवल एनसीपी के विधायक हैं बल्कि शरद पवार वाली पार्टी में अच्छा खासा दखल रखते हैं। तो कुछ उसी तर्ज पर अब शरद पवार योगेंद्र पवार को भी लॉन्च कर रहे हैं, यह माना जाता है। इसके अलावा इससे जुड़ी अहम बात यह है कि अगर शरद पवार बारामती से ही योगेंद्र पवार को उम्मीदवारी देते हैं, तो योगेंद्र पवार की सीधी टक्कर अजीत पवार से होगी, क्योंकि अजीत पवार ही विधायक हैं बारामती से। ना केवल विधायक हैं बल्कि 1991 से लेकर लगातार वो इस सीट से जीतते आए हैं, 30 साल से भी ऊपर के वक्त से वो यहां के विधायक रहे हैं। और ऐसे में अब अजीत पवार को खुद टक्कर मिलेगी अपने ही भतीजे से। तो जिस तरह से अजीत पवार ने अपने चाचा के लिए चुनौती पेश की, शरद पवार के लिए पार्टी दो फाड़ हो गई, ना केवल पार्टी दो फाड़ हुई बल्कि पार्टी का असली नाम भी अजीत पवार को मिल गया, जो चुनाव चिन्ह था घड़ी का वो भी अजीत पवार को मिल गया,
लेकिन इसके बावजूद शरद पवार ने यह बता दिया कि महाराष्ट्र की सियासत में अब भी उनकी तूती बोलती है। 10 सीटों पर पवार की पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनमें से 8 सीटों पर जीत हासिल की। यहां तक कि बारामती की सीट पर, जहां से अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा था, वो सीट भी अजीत पवार हार गए। और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वहां से चौथी बार सांसद बन गई। तो इस सेटबैक के बावजूद भी शरद पवार ने अपनी ताकत महाराष्ट्र की सियासत में कायम रखी। अब अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उन्हें अपने ही भतीजे से चुनौती मिल सकती है। और योगेंद्र पवार को खड़ा करने का मतलब यह है कि शरद पवार उनको जिताने के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। जिस तरह से सुप्रिया सुले के लिए वो खड़े हुए अपनी बेटी को जिताने के लिए, और एक सहानुभूति की वेव उनके साथ में आती दिखी, तो सहानुभूति की वेव विधानसभा तक कायम रहेगी, इस तरह का अंदाजा महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में लगाया जा रहा है। और उसका फायदा उन विधानसभा चुनावों में भी शरद पवार की पार्टी को मिल सकता है। इससे पहले साल 2019 के चुनाव में अजीत पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार को भी राजनीति में लॉन्च किया था। मुंबई और पुणे के बीच में एक मावल लोकसभा सीट है, वहां से पार्थ पवार को उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन पार्थ पवार वो चुनाव हार गए और उसके बाद से उन्होंने कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ा। तो कुल मिलाकर इंतजार है कि कब आधिकारिक घोषणा होती है योगेंद्र पवार की राजनीति में लॉन्च होने का। अक्टूबर के मध्य तक तो उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के चुनाव होंगे, और उसके करीब महीने भर पहले से ही आचार संहिता लग जाएगी और सीटों का बंटवारा अगले महीने तक उस पर चर्चा होनी शुरू हो सकती है। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई तमाम कहानियों के लिए, खबरों के लिए, और इसके साथ साथ अपराध के दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे दोनों चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज और जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ में। जय हिंद।